पति की मौत के बाद रेखा अब घर पर ही रहती। एक बेटा था, वो भी शहर पढ़ने को चला गया तो फिर वापस नहीं आया। कभी कभार भूले बिस्के फोन कर देता, लेकिन एक रोज, अरे माँ ने घर की क्या हालत बना रखी है, पूरा भूत बंगला बना कर रखा है हवेली को। माँ, अरे हो माँ, कहाँ है? तभी जाला लगी कौड़ी में जोर की हवा चलती है। किसी कोने में एक चुड़ैल बैठी होती है। बेटा, मेरा बेटा रवि आ गया है। चुड़ैल के सामने उसी की लाश पड़ी थी। कब से सड़ रही है मेरी लाश, इसे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। अगर रवि ने इसका अंतिम संस्कार ना किया तो मैं जाकर उसे बुलाती हूँ। चुड़ैल रवि के सामने आ जाती है। आ गया बेटा, क्या हो गया था तुझे, क्यों नहीं मिलने आया इतने सालों तक? देख, तेरी राह देखते देखते तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। रवि को चुड़ैल दिखाई नहीं देती है। माँ कहाँ है माँ, तू दिखाई क्यों नहीं दे रही है माँ? बेटे को सामने देखकर चुड़ैल का मन डोल जाता है। अगर ये मुझे मरा देख लेगा तो मेरा अंतिम संस्कार कर देगा, तो मैं इसे कैसे देख पाऊंगी? कुछ दिनों के लिए आया है तो क्यों न मैं रूप लेकर इसके साथ रहूं? तभी अंदर से चुड़ैल रूप बदल कर आ जाती है। अरे माँ, ये घर की क्या हालत कर रखी है, कैसी बदबू आ रही है यहाँ से तो? ये बोलकर रवि माँ के पैरों को छूने लगा, लेकिन चुड़ैल पीछे हट गई। अरे नहीं नहीं बेटा, अब जमाना नहीं रहा पैर छूने का, बैठ जा, क्या खाएगा? माँ, मैं बस जरा बाहर से सामान लेकर आ रहा हूँ, फिर मिलकर घर साफ करते हैं। पहले घर को देखकर लग रहा है सालों से झाड़ू भी नहीं लगी है। बेटा बाहर सामान लेने जाता है, पीछे से चुड़ैल पूरे घर को चमका देती है। अरे रवि हो ना तुम, माँ कैसी है, बहुत दिन हुए दिखाई नहीं दी, तुम्हारे साथ ही रहने चली गई क्या, बताया भी नहीं? हाँ ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। रवि ये बोलकर अंदर आता है कि सामने पूरा वो घर जो मिनट पहले गंदे जाले और मकड़ी से भरा होता है वो साफ हो जाता है। अरे ये क्या माँ, ये कैसे किया, मुझे तो गए 2 मिनट भी नहीं हुए, तूने पूरा घर चमका दिया, कैसे? अरे ये तो रोज का काम है। नहीं नहीं तू बैठ, बोल क्या खाएगा? माँ कुछ भी बना ले, बस थोड़ा जल्दी, वो क्या है ना, भूख के मारे लग रहा है मर ही जाऊंगा। ना ना बेटा, मरने की बात ना निकाला कर मुझसे। माँ किचन में जाकर बेटे को खाना बना कर देती है। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ। बेटा सोने चला जाता है, लेकिन तभी आसपास के कुछ लोग रवि को देखकर घर के बाहर आते हैं। माँ दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा, रवि की माँ भी नहीं दिख रही है, मुझे लगता है वो मर गई है, रवि आया होगा घर की साफ सफाई करके बेचने के लिए। चलो उससे बात करते हैं कि घर बेचना है तो हमें भी बता दे क्या रेट चल रहा है। वो लोग जैसे ही रवि से बात करने घर के अंदर घुसते हैं, सामने रवि की माँ की चुड़ैल खड़ी होती है। क्या बोलने आए हो मेरे बेटे से कि मैं मर गई? अरे मौसी, ये क्या हाल बना लिया, क्या हो गया था? मौसी क्या हो गया? अरे मेरा बेटा क्या गया, तुम लोगों ने तो आना जाना ही छोड़ दिया। कितनी बार फोन कर कहा कि डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन नहीं, अब जब मैं मर गई तो मेरे बेटे से बात करने घर के अंदर तक आ गए। नाना मौसी, हम तो तेरा हालचाल लेने आए थे। अब मैं तुम लोगों को भी वहीं पहुंचा दूंगी जहां मैं गई हूँ। बस फिर क्या था, वो चुड़ैल उन दोनों को भी मारकर बेहोश कर उसी कमरे में डाल देती है जहां उसकी लाश पहले से बंद होती है। शाम को बेटा सोकर उठता है। माँ मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता दे। हाँ बेटा, वैसे लाना तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो पास वाला लाला है ना, उसे लिस्ट बनाकर दे दी है, वो खुद ही लाकर दे देता है, जो भी चाहिए हो वो दे जाता है। वैसे बेटा
अब गांव का वो माहौल रहा नहीं, तो थोड़ा संभाल कर रहना। हाँ, बेटा बाहर जाता है जहाँ हर कोई उससे बात करता है और बताता है कि कैसे एक साल से उसकी माँ दिखाई नहीं दी। अरे रवि बेटा, कैसे आना हुआ? बस आपका शुक्रिया लाला साहब, आपने मेरे ना होने पर माँ को हर सामान वक्त पर पहुँचाया, मैं आपका एहसान कैसे भूलूं? अरे एहसान नहीं बेटा, ले हिसाब, पूरे 1000 रुपए का बकाया है तेरी माँ का, वो भी साल भर से। अब तू दे जा ये पैसे, मैंने तो साफ कह दिया था पिछला बकाया नहीं दोगी तो सामान भी नहीं मिलेगा। रवि लाला की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से उसे पैसे देकर घर जाता है जहाँ माँ उसके लिए खाना बना रही होती है। वो जैसे ही रवि को देखने के लिए मुड़ती है, गिर जाती है और उसके उल्टे पैर रवि देख लेता है। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार अपनी गोद पर सर रखने दो। रवि की माँ उसे प्यार से लेकर बैठ जाती है। रवि माँ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। माँ, मैं गुनहगार हूँ आपका, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तेरी ममता को पहचाना नहीं। तभी डोरबेल बजती है और पास की दो औरतें घर के अंदर आ जाती हैं। औरतों को रवि की माँ दिखाई नहीं देती है। अरे रवि, हम दोनों के पति आए थे तुम्हारे घर पर, वो वापस नहीं लौटे, जरा बुला दो ना, चिंता हो रही है। माँ, क्या कोई आया था? माँ, अरे रवि किससे बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ कोई है जो जब था तब मुझे नहीं दिखा, लेकिन आज जब वो नहीं है तो सिर्फ मुझे दिख रहा है। रवि को लेकर उसकी माँ उस कमरे में जाती है जहाँ उसकी लाश जमीन पर पड़ी होती है और साथ में वो दो आदमी खड़े होते हैं जिन्हें माँ ने बेहोश किया था। भूत, भूत, इस घर में भूत है, भागो, मौसी की आत्मा भटक रही है। रवि माँ की लाश का अंतिम संस्कार कर माँ की आत्मा को शांति दिलाता है। राधा 6 महीने की गर्भवती थी। उसका पति काम से दिन भर घर के बाहर रहता था और सास भी एक बुढ़ी औरत थी। घर का सारा काम राधा करती थी। धीरे धीरे सारा सामान जमा करना पड़ेगा सुनील, कुछ नए बर्तन भी चाहिए। हाँ, कपड़े मैं कुछ दिनों में ला दूंगा, बर्तन तुम यहीं आसपास से ले लेना। हाँ, आज बाजार जाके एक पतीला ले आती हूँ, बच्चे के लिए दूध गर्म करने के काम आएगा। भैया सही दाम लगाओ, हमेशा यहीं से तो लेती हूँ। इतने कम पैसे में तो आपको सेकंड हैंड बर्तन ही मिल सकते हैं। हाँ तो सेकंड हैंड दे दो, वैसे भी 2-3 बर्तन खरीदने हैं। पतीले में दूध डालते ही राधा को कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत दर्द में कराह रही हो। वो अपनी सास को भी पूछती है कि उन्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, और सास कहती है नहीं। उस रात वो सुनील से बात कर रही है। माँ जी के कान ठीक करवाने का समय आ गया है, आज कोई औरत कहीं चिल्ला रही थी और उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ठीक है, ले जाएंगे कभी डॉक्टर के पास। देखो फिर से चिल्ला रही है वो औरत, पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा है, बहुत दर्द में लग रही है। कौन सी औरत, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें एक औरत के चीखने की आवाज नहीं आ रही, दर्द में चीख रही है कहीं दूर से। माँ के नहीं बल्कि तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। दूसरी सुबह राधा की नजर पतीले पर पड़ती है और वो पतीले की तरफ देखती रह जाती है। वो देखती है कि उबलते हुए दूध में उसे कुछ दिख रहा है। उसे दिखता है कि एक गांव का पुराना मुखिया नदी में डूब के मर जाता है। राधा तभी अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, माँ जी यहाँ आइए, माँ जी आपको इस दूध में कुछ दिख रहा है? नहीं राधा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। माँ जी जब से ये पतीला घर में आया ना, तब से मुझे अजीब चीजें सुनाई दे रही हैं, अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ जी, आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हैं? तुम्हें गांव का पुराना मुखिया याद है? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। उसे कुछ हो गया क्या? हाँ, वो पानी में डूबकर मर गया आज। क्या हो गया राधा, तुम रोने क्यों लग गई?
राधा दूसरे दिन फिर से दूध उबाल रही होती है और फिर से उस लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। वो बेबस होकर उस पतीले को गैस से उतारती है। उसे पतीला उतारते वक्त दूध में दयानाथ के नौजवान बेटे दीपक की पेड़ से गिर के मौत होते हुए दिखाई देती है। राधा घबरा कर उस व्यापारी के पास जाती है जहाँ से उसने ये पतीला खरीदा था। भैया, वो पतीला जो मैंने आपसे खरीदा था उसमें मुझे अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं। क्या आपको भी? उस पतीले के मालिक ने इसी वजह से उसे बेच दिया था। मुझे लगता है उस पतीले में कोई बुरा साया है। वो सारे बर्तन मैंने दयानाथ के घर से लिए थे, उसके बहू के घर से आए थे ये सब। उसकी बहू को दहेज के चक्कर में आग लगाकर मार डाला दयानाथ और उसके बेटे ने। जरूर उसी लड़की की आत्मा होगी इस पतीले में। आप मुझे ये बताइए कि मैं उस आत्मा से छुटकारा कैसे पा सकती हूँ? अब तो दयानाथ और उसके बेटे मर गए तो शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। दयानाथ का बेटा भी मर गया? ये कब हुआ? अभी आपके यहाँ आने से पहले वो पेड़ से गिरकर मर गया। मैं इस पतीले को अपने घर में नहीं रख सकती। मेरा बच्चा इस भूतिया पतीले से दूध नहीं पिएगा। मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। दीदी, क्या हो गया? अपने आप क्या बातें कर रही हो? ओ रीमा, मैं तो भूल ही गई कि तुम आज आने वाली थी। अच्छा, अपनी बहन के बारे में ही भूल गई? क्या बताऊं रीमा, घर के काम में ना इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि। अच्छा रीमा, एक काम कर, ये पतीला तू ले जा। तू बोलती थी ना तेरे पास अच्छा पतीला नहीं है, तो ये अपनी बहन का तोहफा समझ कर रख ले। बड़ी मेहरबान हो रही हो दीदी आप। ठीक है, दे दो। चलो, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। रीमा पतीला लेके अपने घर चली जाती है। रीमा जब दूध गर्म कर रही होती है उसे भी उस लड़की की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। वो जब पतीले के पास जाती है तो उसे दूध में अपनी बड़ी बहन दिखती है। राधा के पीछे एक भयानक जली हुई चुड़ैल खड़ी थी जो झपट के राधा के ऊपर चढ़ जाती है और राधा और चुड़ैल दोनों आग की लपेट में गायब हो जाते हैं। रीमा चिल्लाती रह जाती है पर अपनी बहन को नहीं बचा पाती। दीदी, ये सब देखने के बाद रीमा ने वो पतीला अपने दोस्त को दे दिया और रीमा की भी अपनी बहन के जैसी ही आग में जल के मौत हो गई। उस दिन से जिसने भी उस पतीले को किसी और को दे दिया वो आग की लपटों में जलकर मर गया।